Hare Krishna and good morning all of you students. Today we will learn the 12th chapter of English grammar, that is pronouns. ठीक है, pronouns को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. Okay, so pronoun क्या होता है? In the place of naming words, वो words जो nouns की जगह use किए जाते हैं उनको pronoun बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. ठीक है, मतलब जब हम सेंटेंस में नाउन्स की जगह बार बार उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स जब हम पढ़ेंगे तो उनसे आप लोग को प्रोनाउन और क्लियर होगा. पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज होता है. ठीक है, इट रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स. और किन की जगह यूज होता है? पीपल एंड थिंग्स. नाउन में क्या क्या आते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग्स आते हैं ना, तो उनकी जगह हम लोग जो वर्ड का यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोला जाता है. ठीक है, देखिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे. अमन लिव्स इन पुणे. आप यहां पर अमन लिव्स इन पुणे की जगह ये सेंटेंस लिखा है, ही इज अ टीचर. ठीक है, अब देखिए अमन एक बॉय का नेम है ना. अमन बॉय का नेम है तो बॉय की जगह हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं? ही. अमन लिव्स इन पुणे, उसके बाद हमको वापस से अगर लिखना है कि अमन इज अ, अगर जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अमन लिव्स इन पुणे, अमन इज अ टीचर, तो दो दो बार अमन का जब लिखते हैं तो वो चीज ठीक नहीं लगती. ठीक है, इसलिए हम अमन वर्ड को, अमन नेम को बार बार रिपीटेशन नहीं करने से रोकने के लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं. और अमन एक बॉय है तो उसकी जगह हम ही प्रोनाउन का यूज करेंगे. पता है ना आपको बॉय के लिए ही प्रोनाउन का यूज होता है ना. चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. अली इज अ टेलर, ही स्टिचेस क्लोथ्स. अली एक टेलर है, वह क्लोथ सिलता है, तो अली इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ मैन और बॉय. एंड इन प्लेस ऑफ एनी मैन और बॉय वी यूज व्हाट प्रोनाउन? ही प्रोनाउन. ठीक है, थर्ड सेंटेंस. शिखा सैंग अ सॉन्ग, शी सैंग स्वीटली. शिखा ने गाना गाया, शी सैंग स्वीटली. अब शिखा की जगह हमने क्या प्रोनाउन यूज करा? शी प्रोनाउन यूज करा. ठीक है, सीता इज हेयर, शी इज प्रेटी. सीता यहाँ है, वो प्रेटी है, वो सुंदर है, तो सीता इज हेयर. उसके बाद सीता की जगह हमने क्या प्रोनाउन यूज करा? शी प्रोनाउन यूज करा. अजय हैज अ डॉग, इट इज वाइट. अजय के पास एक डॉग है. अब यहां पर बताया जा रहा है, अब देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखिए, सीता इज हेयर, शी इज प्रेटी. जैसे इस सेंटेंस में देखिए सीता, अब यहां पर शी हमको सेकेंड सेंटेंस में किसके लिए बोलना है ना, वो वाला प्रोनाउन यूज होगा यहां पर. अभी हमको सीता के लिए बोलना है तो हमने यहां पर शी प्रोनाउन का यूज करा. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अजय हैज अ डॉग, अजय के पास एक डॉग है, इट इज वाइट, वह वाइट है. अब हमको यहां पर प्रोनाउन जो है वो डॉग के लिए यूज करना है, तो डॉग एक एनिमल है और एनिमल और थिंग्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? इट प्रोनाउन. तो हमने यहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट इज राइट. यहां पर अजय के लिए प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, हमको डॉग के लिए प्रोनाउन का यूज करना है कि अजय के पास में एक डॉग है और वो वाइट कलर का है, तो हम क्या बोलेंगे? अजय इज हैज अ डॉग, इट इज वाइट. ठीक है, द कैप इज रेड, इट इज माइन. कैप रेड है, वो मेरी है. अब कैप भी एक लाइफलेस चीज है, थिंग है, तो इसकी जगह भी हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे यहां पर. ठीक है, आई सॉ द गर्ल्स, दे वर गोइंग टू स्कूल. मैंने लड़कियों को देखा. यहां पर गर्ल्स देखिए प्लूरल वर्ड है यहां पर, और प्लूरल वर्ड के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो दे. आई सॉ द गर्ल्स, मैंने लड़कियों को देखा, वे स्कूल जा रही थी, वे स्कूल जा रही थी. तो यहां पर गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है, तो यहां पर हम प्लूरल नाउन, अगर नाउन प्लूरल है तो उसकी जगह हमको प्लूरल, अगर प्रोनाउन यूज करना है उसकी जगह तो ऑब्वियसली हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे ना, तो प्लूरल नाउन की जगह हमने प्लूरल प्रोनाउन का यूज करा दे. ठीक है, द गर्ल्स वर सिंगिंग, दे वर सिंगिंग स्वीटली. यहां पर भी द गर्ल्स वर सिंगिंग और द गर्ल्स की जगह हमको प्रोनाउन का यूज करना है, तो हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? दे वर सिंगिंग स्वीटली. ठीक है, अब यहां पर पूरा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया ना कि ही की जगह वो अमन एंड अली की जगह ही प्रोनाउन का यूज करा है, शिखा एंड सीता की जगह शी प्रोनाउन का यूज हुआ है, डॉग एंड कैप की जगह इट प्रोनाउन का यूज हुआ है, और गर्ल्स की जगह प्लूरल प्रोनाउन नाउन है जिसकी जगह दे प्रोनाउन का यूज हुआ है. ठीक है, द वर्ड्स ही शी इट एंड दे विच आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. अब देखिए यहां पर हमने ये जो इन प्रोनाउंस का यूज, जो इन वर्ड्स का यूज नाउन्स की जगह हुआ है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस डू प्रैक्टिस टाइम 12.1.
राइट दीज सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द अंडरलाइन नाउन्स विद प्रोनाउंस. आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, इनकी जगह हमको प्रोनाउंस का यूज करना है और वापस से इन सेंटेंसेस को लिखना है, जो कि नेक्स्ट पेज पर उनके लिए लाइन्स बनी हुई है और वहां पर ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है, नाउन्स है, उनकी जगह हमको प्रोनाउन लिख के और वापस से इन सेंटेंसेस को लिखना है. ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ती हूँ. द बॉय सॉ द स्नेक. बॉय ने स्नेक को देखा. द बॉय हिट द स्नेक. अब इसका मीनिंग हुआ द बॉय हिट द स्नेक मीन्स उसने स्नेक को मारा. फिर नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, ये देखिए फुल स्टॉप है यहाँ पर, मतलब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है. द स्नेक बाइट द बॉय. तो स्नेक ने क्या किया, लड़के को काटा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द बॉय सॉ द स्नेक, ये तो सेंटेंस में हम प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले तो सेंटेंस एज इट इज रहेगा. अब उसके बाद जिस जिस के लिए भी यहाँ पर जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उनकी जगह प्रोनाउन का यूज कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ही हिट द स्नेक. बॉय की जगह क्या प्रोनाउन हो जाएगा, ही हिट द स्नेक. उसके बाद द स्नेक बाइट द बॉय, तो द स्नेक, अब स्नेक एक एनिमल है तो एनिमल के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, इट बाइट द बॉय. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बॉय सॉ द स्नेक, ही हिट द स्नेक, फिर फुल स्टॉप, फिर इट बाइट द बॉय, फिर यहां पर द नहीं आएगा. ठीक है, अब देखिए आप कभी भी द लिखे और उसके बाद इट लिखेंगे तो कैसा लगेगा, कैसा बन जाएगा वो, द इट बाइट द बॉय. ये सही लग रहा है क्या पढ़ने में, नहीं लग रहा ना, तो हम द नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे इट बाइट द बॉय. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से लिखना है. ये देखिए नेक्स्ट पेज पर इस तरह से बुक में लाइंस ड्रॉ है और आपको इन्हीं लाइंस में बुक में ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. देखिए द बॉय सॉ द स्नेक, ये तो सेंटेंस ऐसे ही कैसे लिख दिया. उसके बाद ही हिट द स्नेक, यहाँ पर बॉय की जगह ही प्रोनाउन का यूज हो गया, एंड इट बाइट द बॉय, एंड स्नेक की जगह इट प्रोनाउन का यूज हुआ. ठीक है, क्योंकि स्नेक एक एनिमल है और एनिमल और थिंग्स के लिए इट प्रोनाउन का यूज होता है. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. रीता इज अ गुड गर्ल. अब यहाँ पर रीता एक गर्ल है. ठीक है, रीता इज अ गुड गर्ल. आई लाइक रीता, मैं रीता को पसंद करता हूँ. बिकॉज रीता वर्क्स हार्ड, क्योंकि रीता कठिन परिश्रम करती है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बार बार रीता का यूज हुआ है, तो ये कैसा लग रहा है पढ़ने में, ठीक नहीं लग रहा ना, है ना. तो अब हम इनकी जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे. अब हम इसका पहले हिंदी में देखते हैं कैसे होना चाहिए. रीता इज अ गुड गर्ल. आई लाइक, अब क्या बोलेंगे, मैं उसको पसंद करता हूँ, है ना. मैं वह, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, आई लाइक शी, मैं वह को पसंद करता हूं. हम ऐसा तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलेंगे, आई लाइक, मैं उसको पसंद करता हूं. तो आई लाइक हर, जब गर्ल के लिए उसको बोलना होता है ना, तो हर प्रोनाउन का यूज होता है. देखिए रीता इज अ गुड गर्ल, आई लाइक हर. अब यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, तो हम सीधा फिर उसके बाद बिकॉज लिखेंगे. बिकॉज रीता वर्क्स हार्ड, बिकॉज वह कठिन काम करती है, बिकॉज शी वर्क्स हार्ड. ठीक है, यहां पर रीता की जगह शी प्रोनाउन का यूज होगा. ठीक है, चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं. द टीचर गेव अ बुक टू द चिल्ड्रन. टीचर ने बच्चों को एक बुक दी. अब यहां पर द चिल्ड्रन डिड नॉट थैंक टीचर फॉर द बुक. अब यहां पर हमको द चिल्ड्रन की जगह प्रोनाउन का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन. ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, दे. इसकी जगह क्या प्रोनाउन हो जाएगा, दे. तो पहला सेंटेंस तो हम एज इट इज लिख देंगे. फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, द टीचर गेव अ बुक टू द चिल्ड्रन, यहां तक हमने एज इट इज लिखा. उसके बाद देन वी विल पुट अ फुल स्टॉप. उसके बाद द चिल्ड्रन की जगह वी हैव टू यूज प्रोनाउन, सो वी विल राइट दे प्रोनाउन, बिकॉज चिल्ड्रन इज अ प्लूरल वर्ड. ओके, सो दे डिड नॉट थैंक द टीचर. अब यहां पर देखिए क्या हमको लिखना पड़ेगा, टीचर की जगह हमको प्रोनाउन का यूज करना है. अब देखिए टीचर मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है टीचर. ठीक है, तो हम यहां पर, हम, मैंने यहां पर हर लिखा हुआ है, जैसे द चिल्ड्रन, सॉरी यहां पर क्या है, दे डिड नॉट थैंक हर. अब द हटा देंगे यहां से. ठीक है, दे डिड नॉट थैंक हर, मैंने यहां पर हर लिखा है. हम इसकी जगह हिम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो टीचर मेल भी हो सकती है. यहां पर मेंशन नहीं है कि टीचर जो लेडी टीचर है कि जेंट्स टीचर है ना, यहां पर इससे हमको नहीं मालूम पड़ रहा है. तो हम इसकी यहां पर हर भी लिख सकते हैं या हिम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज लिखेंगे, कोई भी एक चीज सही होगी उसमें से, कोई भी एक प्रोनाउन. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दे डिड नॉट थैंक हर, इस टीचर की जगह आ जाएगा हर, उन्होंने उसको उनको टीचर को फॉर द बुक. अब द बुक के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, फॉर इट, क्योंकि बुक एक थिंग है. ठीक है ना, चलिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं.
द गर्ल्स वेंट टू स्कूल, गर्ल्स स्कूल गई, द गर्ल्स वर लेट। अब यहाँ पर गर्ल्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है ये, है ना। तो प्लूरल नाउन की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द गर्ल्स वेंट टू स्कूल फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज, एंड देन द गर्ल्स की जगह क्या प्रोनाउन आएगा, दे वर लेट, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि जहां पर भी फुल स्टॉप है ना, वहां पर आपको भी फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। उसके बाद द टीचर वॉज एंग्री विद द गर्ल्स। अब इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम गर्ल्स नहीं बोल के हम इसकी जगह प्रोनाउन का यूज करें, तो ये क्या होगा, द टीचर वॉज एंग्री विद, उनसे गुस्सा थी टीचर, है ना। तो क्या होगा, द टीचर वॉज एंग्री विद देम, द टीचर वॉज एंग्री विद देम, उनसे गुस्सा थी। तो उनसे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देम, द टीचर वॉज एंग्री विद देम। तो यहाँ पर देम प्रोनाउन का यूज होगा और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आप लोग को स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है ये थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को ये, और अगर कुछ थोड़ा भी समझ नहीं आया हो या थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देख कर है ना, सबसे पहले तो आप लोग प्रोनाउन क्लियर कर लीजिएगा कि कैसे, जैसे हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसको, जैसे कोई भी सेंटेंस, उसको ट्रांसलेट करके देख लीजिए कि उसकी जगह क्या प्रोनाउन आना चाहिए वहां पर। वह आएगा कि उसको आएगा, गर्ल है तो उसको के लिए हर हो जाएगा, और बॉय है तो उसको के लिए हिम प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कभी भी नाउन्स की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये वीडियो को बहुत अच्छे से देख कर और इसका मतलब जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो आप इजीली ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और ये वाली एक्सरसाइज आप बुक में सॉल्व करके मेरे को टाइम से सबमिट करिएगा, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।